नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज सुबह सुबह देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है। कई दिनों से बहुत बादल हो रहे थे तो आज सुबह सुबह बड़ा अच्छा मौसम है, धूप निकल रही है, सारे पौधों पर आ रही है। और आज मैं एक ये जो बोतल है मेरी, आप देख रहे होंगे फेस जिस पर बना है, मैं ऐसी ही बोतल आज बनाऊंगी। एक और खाली हो गई है मेरी, तो मैं सोच रही थी उसको भी मैं अपने बालकनी में यूज़ करूँ, बहुत अच्छी लगती है ये मुझे। और इसमें बहुत अच्छे से ये परचूल का चल भी रही है और कलरफुल, पूरी जो हमारा गार्डन है वो कलरफुल कलरफुल लगता है ऐसे ही चीज़ों का यूज़ करने से। कि जैसे बॉटल्स हैं, वेस्ट मटेरियल यूज़ भी हो जाता है और उसमें अच्छे से प्लांट भी चलते हैं। और देखिए मैं इस तरफ भी लगाना चाहती हूँ ऐसी, तो दोनों तरफ एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल खाली खाली लग रहा है और एक तरफ ये लगा हुआ, तो दोनों तरफ एक जैसी हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा। और देखिए कितने अच्छे से इसमें फूल खिले हुए हैं इन बॉटल्स में। सुबह सुबह धूप निकलते ही ये खिल जाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो इनको हम अपनी बॉटल्स में, इनमें जो ख़राब की हमारी होती है ना, फेंक देते हैं, इसमें हम लगाएं और कितने अच्छे से हमारे ये प्लांट्स चलते हैं। तो देखिए एक ही इसमें कितने सारे खिले हुए हैं फूल, कितने सुंदर लगते हैं, और फूल देख कर तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं दूसरी तरफ के लिए भी तैयार करूँगी ताकि दोनों तरफ एक जैसा हो जाए और सुंदर भी लगे। जितनी ज़्यादा बॉटल्स हो सकता है मैं उतनी इस्तेमाल करती हूँ, जो भी आती है उसी को यूज़ करके प्लांट लगा लेती हूँ उसमें। तो आप भी ऐसे ही किया करें, अपने किसी भी इन बॉटल्स को, इनको बेकार ना जाने दें, अपने गार्डन में यूज़ करें, बहुत अच्छी लगती हैं और प्लांट्स चलते हैं तो फूल भी खिलते हैं। देखिए कितने सुंदर गुड़हल के फूल खिले हुए हैं, इन पे तो रोज ही खिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ रोज ही डेली कितने सुंदर फूल दे रहा है गुड़हल। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना और मैं इसीलिए वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप भी अगर बनाना चाहें तो ऐसी इस टाइप का कुछ भी बना सकते हैं अपने अनुसार। होते थे कि हम बनाते हैं, सबसे पहले ये फ्लोर क्लीनर है उसकी बोतल है ये, तो सबसे पहले मैंने इसको गरम चाकू करके नीचे से इसका ड्रेनेज होल बना लिया है। उसके बाद देख सकते हैं आप, और इसके बाद मैंने ऊपर से इसको काटा है ताकि इसमें से मैं लगाऊंगी यहाँ से, और दोनों तरफ मैंने बांधने के लिए छेद कर लिए हैं। तो बस इतना काम सबसे पहले करना है हमें गरम चाकू करने के बाद। और इसके बाद मैं इस पर अब कलर करूँगी, येलो कलर करूँगी, क्योंकि दूसरा वाला भी मेरा येलो कलर का है, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे। तो जल्दी से हम कर लेते हैं कलर। तो दोस्तों देखिए हमने इसके आंख और इसके बाल बना लिए हैं, और जल्दी से इसके होंठ बना लेते हैं रेड कलर से। बहुत ही आसान है, बस जल्दी से बनाकर और इसको हम थोड़ा सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम इसमें नीचे थोड़े से ये पत्थर से डाल देंगे ताकि पानी हमारा एकदम से, पानी के साथ मिट्टी ना निकले। उसके बाद हम इसमें मिट्टी भर लेंगे अपनी, मिट्टी वही सैंड मिली हुई होनी चाहिए, सैंड और मिट्टी मिक्स कर कर आप इसमें भरें तो अच्छे से प्लांट चलते हैं। और इसको मैं पूरा भर लूँगी ऐसे ही, तो इसी तरह से पूरा भरने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी परचूल का, जो कि बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो देखिए मैंने इसमें लगा लिया है, और कितने अभी थोड़े दिन बाद ही ये इसमें से ही इतनी फैल जाएगी, पूरा भर देगी इसको। और इसको मैंने दोनों तरफ से ऊन से बांध दिया है, इससे मैं टांग दूँगी इसको। तो देखिए दोनों तरफ टंग गई हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना एक जैसी। एक तरफ से खाली खाली लग रहा था, अब दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, और मेरे ये बेकार की बोतल काम भी आ गई। तो आप भी ऐसे क्या करें, अपनी इन बोतल्स को फेंकें ना और इस्तेमाल करें अपने गार्डन में, और सुंदर सुंदर कुछ भी जो आपको आता हो वो बनाएं। और इनमें बहुत अच्छे से ये परचूल का और पर्सलेन, जेट प्लांट कुछ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।